हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। माय नेम इज एसपी सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वे ऑप्टिक्स के वो कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, हमने ऑलरेडी सुपरपोजिशन ऑफ वेव तक के पूरे जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स है उसके पहले, तो उतने सारे चैप्टर के हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवरअप किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दोस्तों मैं फर्स्ट कमेंट में दे रखा हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिए। एंड दोस्तों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको मत स्किप कीजिए, क्योंकि यार 36 मार्क मतलब नॉट अ जोक। ओके, अगर आपको 36 मार्क अगर आपको 100% पक्के कराना है तो यहाँ पर आप परिवर्तन ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर दोस्तों न्यूमेरिकल मैराथन बैच है, उसको ज्वाइन कीजिए। एक एक चैप्टर के 50-50 न्यूमेरिकल वहाँ पर कवरअप हो चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, देन उसके बाद PYQs है, पूरे के पूरे यहाँ पर न्यूमेरिकल है। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपके जो 2023 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो यहाँ पर न्यूमेरिकल आएंगे ये हमारे मैराथन बैच से ही आएंगे, 100% मैं दोस्तों लिख कर देता हूँ। ओके चलो ठीक है, तो परिवर्तन आप भी डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक मैंने दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। चलो तो यहाँ पर दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वे ऑप्टिक्स के वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, देन उसके बाद जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का उसका भी मैंने रेफरेंस लिया है। तो ये पूरे के पूरे इतना सारा स्टडी करके दोस्तों यहाँ पर मैंने ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर निकाले हैं। लास्ट टाइम भी दोस्तों मैंने आपको दिए थे, तो नियर अबाउट 60 में से दोस्तों नियर अबाउट 70 में से 60 मार्क के जो क्वेश्चन है ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आए थे। तो दोस्तों इस साल भी 100% आएंगे, तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, वेव फ्रंट क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, आप भी मेरे साथ यहाँ पर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेव फ्रंट क्या होता है, ये आपको करना है। एंड देन उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट करना है। ओके, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको करना है। ओके, एक मार्क के लिए, दो मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, देन दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है। लास्ट टाइम दोस्तों इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा था, तो इस टाइम चांसेस है कि थ्योरी पूछा जा सकता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही करना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें दोस्तों देखो एनालिटिकल मेथड है, मतलब एक ही है यार, एनालिटिकल मेथड मान लो, या फिर उसको हम पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं। पाथ डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, या फिर कंडीशन फॉर द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अगर आपको बोला है, तो डेल्टा एल मतलब पाथ डिफरेंस होता है। या फिर दोस्तों उन्होंने अगर आपको फ्रिंज विड्थ का बोला है, तो फ्रिंज विड्थ में भी दोस्तों यही डेरिवेशन है। ओके, तो अगर फ्रिंज विड्थ निकालने को बोला है 3 मार्क के लिए, तो सेम आपको यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है। एनालिटिकल मेथड पूछा है तो यही करना है, पाथ डिफरेंस बोला है तो यही करना है। एंड देन उसके बाद अगर आपको पूछा है कंडीशन फॉर द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अगर आपको बोला है, तो दोस्तों आपको यही क्वेश्चन करना है, कंडीशन फॉर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आपको सेम लिखना है, ब्राइट फ्रिंजेस। चलो ठीक है, तो ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, और ये आपको 100% करना ही है। ओके, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर हम दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको करना ही है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो दोस्तों अगर ये दो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये दो क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार यार, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इतनी बार ये पूछे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये वे ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वे ऑप्टिक्स में ये देखिए, ये इंटरफेरेंस पे जो क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों इंटरफेरेंस वाला जो क्वेश्चन है इसमें एनालिटिकल मेथड दोस्तों बहुत बार पूछा है। ये देखिए, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर दोस्तों हाईलाइटर मैं ऑन कर लेता हूँ,
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ड्रॉ वाला सेम है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओके, तो दोस्तों देखो कितनी बार पूछाएगी विद द थ्योरी राइट एनी फोर कंडीशन। अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला है एनी फोर कंडीशन फॉर द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ये भी आपको करना है। देन उसके बाद ये देखिए स्टेट एनी फोर कंडीशन, देखो ये बहुत बार पूछा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी फोर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न बोल सकते हैं या फिर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बोल सकते हैं। ओके, सो कंडीशन फॉर द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न या फिर दोस्त को हम उसको गुड इंटरफेरेंस पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों करना ही करना है। ओके, ये दो क्वेश्चन आपको करना ही, बाकी के भी आपको करना है लेकिन ये दो क्वेश्चन करना ही करना है। ओके, तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो यहां पर ये बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी क्वेश्चन पूछा है। अगला हम थर्ड नंबर का जो कौन सा क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन कौन सा है हम देखने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको डिफ्रैक्शन का यहां पर करना है, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है भैया, देखो डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डेफिनेशन, एकदम बहुत इजी वाला डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको करना है। एंड डिफ्रैक्शन का आपको दोस्तों डेरिवेशन करना है, एंड डिफ्रैक्शन के जो टाइप्स है ये आपको करना है, दो ही टाइप है डिफ्रैक्शन के, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एंड द फ्रेसनल डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, डेरिवेशन या फिर टाइप, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देन अगला अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन क्या होता है, एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछा जा सकता है या फिर दोस्तों इसके ऊपर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, दैट इज द ब्रिस्टर्स लॉ है। तो यहां पर देखिए इसका अगला नेम है ब्रिस्टर्स लॉ, तो ये आपको दोस्तों ब्रिस्टर्स लॉ करना ही करना है। ओके, तो पोलराइजेशन का डेफिनेशन कर लीजिए एंड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसी को ही हम ब्रिस्टर्स लॉ बोलते हैं, ये आपको करना है, दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसके दोस्तों यहां पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये जो चैप्टर है दोस्तों ये 7 मार्क का चैप्टर है। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 7 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड ये चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आज हमने यहाँ पर दोस्तों डिस्कस किए हैं। बहुत जल्दी दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी दोस्तों आ जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ दोस्तों हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है, जो कि आपके बैच का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आते रहता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।